Hello students, today we here discuss Kingdom Pratishtha, about Kingdom Pratishtha के बारे में हम आज continue करेंगे. Pratishtha, ये Pratishtha का मतलब होता है primitive. किस वर्ड से बना है? Protisto वर्ड से मिलकर बना है और जिसका मतलब होता है प्राइमेटिव, यानी कि कैसे होता है, प्राइमेटिव टाइप्स के होते हैं, आदिम प्रकार के, सिंपल प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो किंगडम प्रतिष्ठा के बारे में हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे. तो इसमें इंक्लूड्स हैं आपके ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें इंक्लूड होते हैं. साथ ही साथ सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर एनिमल लाइक, जैसे प्रोटोजोआ. अदर रिसेम्बल देखे प्लांट्स तो एल्गल प्रोटिस्टा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन डायग्राम में आपको ग्रेनोडिनम नेबिकुला युगलीना, हमने आपको बताया था युगलीना प्रीवियस वीडियो में, जिसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया क्योंकि ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है. ये अपना भोजन स्वयं भी बनाता है, दूसरों से भी अपना प्राप्त अपना फूड प्राप्त करता है. ऐसे ही स्लाइमोट्स, अदर जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंगी, प्रोटिस्टा में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी भी होते हैं, जैसे आपके स्लाइमोट्स, ये फंगी टाइप्स, फंगी जैसे दिखता है प्लाज्मोडियम, जैसे आपको दिख रहा है. लेस्मेनिया, ये आपको दिख रहा है लेस्मेनिया. अमीबा, ठीक है, आपका फोरामिनी फेरम और पैरामिशियम, ये सारे के सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं. अब ये जो होता है आपका जेलिनोडियम, तो जेलिनोडिनम क्या होता है, डाइनो फ्लैजिलेट होता है. क्या होते हैं इसमें फ्लैजिला, देखो डाइनो फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये भी फ्लैजिला है, ये भी फ्लैजिला, ठीक है. ये क्या है, नेबुला, ये डायटम्स हैं, क्या है, डायटम. यूगुलिना क्या है, यूगुलिनोइड है, यूगुलिनोइड प्रोटिस्टा है, इसमें फ्लैजिलम होता है. आपका लेस्मेनिया जो फ्लैजिलेट्स होते हैं, और जो पैरामिशियम है आपका जो सिलिएट प्रोटोजोन्स होते हैं, सिर्फ सीलिया होते हैं मूवमेंट के लिए. तो इसमें आप देखेंगे कि ऑल आर यूनिसेलुलर, सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर. एंड ग्रेड ऑफ बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन इज एसेलुलर, सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं एंड फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ द फॉर्म आर एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग. सम आर कैसे होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं. अब इनकी सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटिस्ट जो प्रोटिस्ट सेल होती है, तो द प्रोटिस्ट सेल इज टिपिकली एन कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है. कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल. जबकि हमने बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनकी कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक स्टडी करा था. तो इट इट कंटेन्स कौन से आपके ये सारे के सारे जो प्रोटिस्टा हैं, और यूजर सेल ऑर्गेनेल्स सच एज, इसमें न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो इन ऑटोट्रॉप्स में होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसमें प्लास्टिड्स होते हैं इन ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि ER 80S टाइप्स का राइबोसोम्स होता है एंड लाइसोसोम्स होते हैं. लाइसोसोम्स सुसाइड बैग भी बोल देते हैं लाइसोसोम्स को, ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था 10th क्लास में सुसाइड बैग कैसे कहते हैं लाइसोसोम्स को. इसमें आप देखेंगे तो वेरियस टाइप्स ऑफ लोको मोटरी ऑर्गन्स होते हैं, फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया आर प्रेजेंट, सब में अलग अलग होता है.
ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके। अब बात करें लोकोमोशन एंड प्रोटिस्टा में, तो लोकोमोशन भाई स्यूडोपोडिया इसके द्वारा होता है, अमीबा वगैरह स्यूडोपोडिया द्वारा करते हैं, ठीक है। ऐसी तो ये तो आपका लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया द्वारा, ऐसी लोकोमोशन सीलिया द्वारा किसमें होता है आपका, पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम, ऐसी लोकोमोशन पैरामीशियम में होता है। सीलिया द्वारा लोकोमोशन बाय फ्लैजिला द्वारा किसमें होता है आपका, युगलिना में। ऐसी होता है ट्रिपैनोसोमा में, किसमें होता है स्ट्रैंड, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा द्वारा क्या होता है, स्लीपिंग डिजीज होती है। ट्रिपैनोसोमा के द्वारा क्या होता है, स्लीपिंग डिजीज होती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा हैव डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, जैसे यूगलिना में होता है आपके ऑटोट्रॉफिक मोड्स। ऐसी होलोजोइक मोड्स होता है जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो अपना भोजन, यानी कि इन दिस मेथड जो होलोजोइक मोड होता है उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट इट्स फूड सिमिलर टू एनिमल्स, जैसे प्रोटोजोन्स। अब सैप्रोफाइटिक किसमें होता है आपका, स्लाइम मोड्स में। इसमें क्या होता है, इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस टू सिंप्लीफाई द सराउंडिंग ऑर्गेनिक फूड मटेरियल विच कम्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। तो स्लाइम मोड्स में होता है, स्लाइम मोड्स में होता है, कैसे होता है, सैप्रोविक या सैप्रोफाइटिक मोड्स कहते हैं इसे। पैरासाइटिक मोड आपके ट्रिपैनोसोमा में, ट्रिपैनोसोमा है आपका, एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो किसमें होता है आपके, प्लाज्मोडियम द्वारा क्या होता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है, क्योंकि जो कोई एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी को काटता है तो उसकी बॉडी यानी कि उसके ब्लड में क्या छोड़ देता है, प्लाज्मोडियम छोड़ता है। वह प्लाज्मोडियम क्या होता है, उसके ब्लड में से ब्लड में होता हुआ कहाँ जाता है, उसके लीवर में पहुँचता है, और लीवर में जाके क्या करता है, वो अपने आप को डिवीज़न करता है, और उसके फुल ब्लड में उसकी स्पीसीज जो वो प्लाज्मोडियम में फैल जाता है, और क्या हो जाता है, मलेरिया डिजीज़ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। मिक्सोट्रॉफिक की बात करें तो मिक्सोट्रॉफिक मोड किस में होता है स्टूडेंट, यूगलिना में होता है। क्यों, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है होलोफाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफिक मोड्स दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, या होलोफाइटिक एंड सैप्रोफिक मोड्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन द्वारा होता है। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा वगैरह में। मल्टीपल फिजन होता है यानी कि एक सेल इनटू मैनी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, तो अमीबा की भी हो सकती है। स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग द्वारा निकलते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन प्रोटिस्टा में, तो कुछ आपके प्रोटिस्ट होते हैं जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग फाइलोजेनी इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रोटिस्ट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें इन्वॉल्व होते हैं जाइगोटिक मियोसिस द्वारा, जाइगोटिक मियोसिस होता है इन प्रोटिस्ट्स में। जाइगोटिक मियोसिस और सेकंड है हमारा गैमेटिक मियोसिस। अब जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जाइगोटिक मियोसिस होता है तो पेरेंटल इंडिविजुअल इज हैप्लॉइड, किसमें होती है, हैप्लॉइड में। और जबकि गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, पेरेंटल इंडिविजुअल इन इज डिप्लॉइड। अंडरस्टैंड, तो ये था हमारा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू करेंगे किंगडम
फंगी को। अब कुछ इम्पोर्टेंट हमने प्रोटिस्टा आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।